on the stage. Hello friends. No. Jamal Junaidi. Yes. Hyderabad se. इससे पहले कि मैं आप सबके सामने कुछ बात करूं, मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र एहसान अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आज इस अखल भी और इस बिजनेस के अंदर आज मुझे इतना बड़ा मुकाम दिया. थैंक यू वेरी मच. आज मैं कुछ नहीं हूं मेरे दोस्त, वही है जब करने आता है तो मुझे से जर्रे को उठा के आपका बनाएगा. मेरी कोई अफाती है बिजनेस में यहां पर आकर इतना बड़ा पीने चीज कर सको ना, खत ही नहीं. ये सब उसी का रहा कर्म था. नाम कमर जुनेगी है. पिछले 30-32 साल से बेहतरीन बिजनेस में रहा हूं. ट्रू बाजार मैंने टिकट से के 2-3 शॉप से हमारे, और जब मुझे ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली गई मेरे कमाल भाई के जरिए और जमा के जरिए, जब ही मैंने ट्रू बाजार में दुकान लगाई थी, लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए खर्च कर दिए मेरे दोस्त. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चीज छुपी हुई थी सर के, भैया ये करना है वो करना है. जब मुझे बिजनेस मिला, हम पिछले बिजनेस में कुछ काम कर रहे थे, उसे थके थे, तो इसको लाइट लेके खामो बढ़ गए. लेकिन मेरे अपलाइन लाइट लेके नहीं खामो बढ़े. मैं चाहूंगा एक बार पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं सबसे पहले पाक परवरदिगार का शुक्र एहसान अदा करता हूं. उसके बाद एसपी भरत सर का शुक्र जिन्होंने बिजनेस को हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश में लेके आया, वो भरत फैमिली का थैंक्स. उसके बाद इंटरव्यू भैया और फैमिली का थैंक्स अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया. और उसके बाद चरण सर और जमाल भाई कुलकर्णी सर का साथ शुक्रिया अदा करता हूं. और खासकर मैं मेरे खास ग्रेट मेंटर स्पॉन्सर मेरे कमाल और जमाल भाई का इतना शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज मुझे यहां पर लाइव खड़ा करने में मदद की. सोचो मेरे दोस्त, अगर वो लोग मुझे इसमें नहीं लेके आते तो आज तेलंगाना एक बेहतरीन ग्राउंड डालकर से मिस करता होगा जो मैं हूं. उसमें है कुछ काबिले, तभी तो उन्होंने मुझे लाके खड़ा कर दिया है. आप में भी वो चीज छुपी हुई है मेरे दोस्त. आप तो जो ढूंढ के ले आके पकड़ के लेके आया है, थैंक्स बोलना उसका, थैंक्स बोलना उसका जिन्होंने आपको यहां पे लेके आया बुलाया है. मेरे भाई वो तो अपनी कामयाबी का निकल चुका, चाहता है वो कि आप भी कामयाब हो और आप इस बिजनेस में उसको पकड़ो और कामयाब हो जाओगे पक्का. इस बिजनेस में आने से पहले ज्यादा कुछ नहीं था मेरे पास, लाखों रुपए कमाए, लाखों खर्च कर दिए. बेहतरीन फैमिली है, एक बीवी है, चार बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है. परेशान मत हो, उल्टा नहीं है, सीधा है, ठीक है. दूसरी बात यह है कि इस बिजनेस में आने से पहले जो नई दुकान खोला था नीचे तू बाजार में, सिर्फ 2 साल के अंदर 30 लाख रुपए लगा के दुकान खोला, आधी हो गई, 15 में आ गई. मैं बोला भैया 15 लेके निकलो, पता चला कि वो भी खुल जाएंगे. 15 लाख का नुकसान, बेहतरीन मार्केट में ढेर सारा कर्जा सर पे काम कर दिया. और कई ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त, आज वो लोग परेशान है, हर चीज की तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ईगो की वजह से हम साधु से वो बेचना. अरे मेरे भाई, अमिताभ बच्चन करोड़पति, उसकी लेवल क्या है? क्या तू नहीं है? उन्हें भी एक रुपए की तेली पैकेट पे चला आके ठंडा ठंडा कुरकुर ना रोकन के अपनी अकल को रखो जेब में, अपलाइन की अकल को इस्तेमाल करो, जो सिस्टम हो रहा है उसको लेके आगे चलो, जिंदगी तुम्हारी भी सुधरेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे पुश्तों की जिंदगी सुधरेगी. दोस्त बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता कि टाइम और बताया जाए, उससे पहले करना चाहता हूं. लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूं आप सबको, सुन लीजिए. ये बिजनेस क्यों करें अगर आपके दिमाग में आ रहा है मेरे दोस्त, जो मैं सब कुछ बोल दिया, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसे बोलता हूं जो यहां से निकलती है और यही लगती जगह. सुन लीजिए मेरे दोस्त, ये बिजनेस इसके लिए करो जिसका घर रेंटेड है, वो जाति घर में रहना है, हर महीने किराए के पैसे से बचना है, इसके लिए बिजनेस करो. ये बिजनेस इसलिए करो कि हर महीना जो तुम्हारे घर का राशन आ रहा, दुकानदार को पैसे उठा बाकी न रखना चले, इसके लिए बिजनेस करो.
उसका बिल वक्त पैदा कर दो, इसके लिए बिजनेस करो। ये बिजनेस इसके लिए करो कि आपके स्कूल के बच्चों से कहीं पर नोटिस ना आए कि कल के दिन आपके बच्चे भी स्कूल से एग्जाम में बिठा कर भेजा दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 महीने की फीस तुम्हारी बाकी है, वो भरना पड़ेगा, उसके लिए बिजनेस करो। ये बिजनेस इसके लिए करो, कल को खुदा ना खासा तुम्हारे घर में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कुछ दवा खाने जाना पड़े, खुदा ना खासा खानदान में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, इसके लिए बिजनेस। बहुत बढ़िया। ये बिजनेस इसके लिए करो ताकि कल तुम्हारी बीवी बोले कि यस मुझे तुम पे फख्र है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो, इसके लिए बिजनेस करो। Yes. 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 Y